दरबार कंज का खेल दिया। हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो आज है आठवां नवरात्रा माँ दुर्गा का और आज है दुर्गा अष्टमी। तो हम लोगों के यहाँ अष्टमी पूजती है, तो अभी मैं नहा धोकर के तैयार होकर के मैं आ गई हूँ किचन में, रेडी हो गई हूँ। क्योंकि फिर अगर मैं रेडी अभी ना होती ना तो फिर मैं होती ना, क्योंकि किचन में एक बार घुस जाओ पूरे तरीके से फिर नहीं होता है कि आप जाओ और अपने कंघी वंगी करो। तो बीच बीच में मैंने तैयारी भी कर दी थी, जैसे सब्जी काट करके रख दी थी, ड्राई फ्रूट्स कट कर दिए थे, गोभी मैंने रात काट दी थी, धनिया भी मैंने रात साफ़ करके रख दिया था। तो कुछ चीज़ें रात में कर दी थी और कुछ चीज़ें जो हैं सुबह में कर दी थी। तब तक मेरे बाल भी सूख गए थे इन चीज़ों को काटा पीटी करते हुए। और फिर मैं जो है अपने बाल बांध करके, अभी वैसे नहीं बांधे हैं लेकिन हल्का सा क्लेचर लगा लिया है, तो चने बॉयल हो गए हैं। और उधर जो है मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है और इधर परात वगैरह, बड़ी परात चाहिएगी ना, तो ये भी धुल ली है क्योंकि इसमें आटा गूंथना है। और यहाँ चने मैं चेक कर रही थी कि हुए कि नहीं हुए हैं, तो चने तो हो चुके हैं। एक बार मैंने हाथ से भी चेक कर लिया था और कड़छी से भी मैंने इनको थोड़ा सा मैश कर लिया है। अभी मैंने दोनों कढ़ाई चढ़ा दी हैं। एक कढ़ाई में मैं क्या करूँगी कि आलू गोभी की सब्जी को मैं फ्राई करूँगी। फ्राई वाली आलू गोभी की सब्जी मैं बना रही हूँ, बहुत टेस्टी लगती है, मसाला आलू गोभी। और दूसरी साइड कढ़ाई पे मैं चने छोंकूंगी। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मसालों को कटोरी में डाल रही हूँ। दोनों सब्जी के लिए मसाले मैं कटोरी में करूँगी गीले कर करके, क्योंकि जब आप प्याज नहीं डालते हो तो फिर क्या होता है ना, गर्म तेल में मसाले जलने के चांसेस रहते हैं, तो रिस्क लेना ही क्यों। वैसे आप तेल ठंडा कर लोगे, बंद कर दोगे गैस, तो ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन इस तरीके से ना तेल अलग सा होता है, मसाले भूनते हैं तो अच्छा लगता है। तो जब भी मैं प्याज यूज़ नहीं करती हूँ तो मसालों को पानी में घोल बना करके इस तरीके से डालती हूँ। तो ये उधर वाली कढ़ाई में अभी तैयारी हो रही है काले चने छौंकने की। तो यहाँ पर मैंने हींग भी डाल दिया है, मसाला भी डाल दिया है थोड़ा कटोरी में पानी डाल के, और कर लिया है क्योंकि गीला गीला सा वो हो रही थी, मसाला लग रहा था कटोरी पर। तो अभी यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी भी इसमें डाल दी है, काले चने बना रही हूँ। यहाँ पे जो चने थे हमने उबाल करके रखे थे वो भी डाल दिए हैं। ये डालने के बाद आप देखेंगे कि पानी हो रहा है, रश्मि थोड़ा पानी कम करना था, लेकिन मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। इनको मैं खूब पकाऊंगी, अभी गैस जल रही है और ये पानी अपने आप कम हो जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरीके से। थोड़े लिटपिटे वाले बनाती हूँ मैं, अभी आपको लास्ट में बना करके दिखाऊंगी, मतलब दिखाऊंगी कि जब वो बन जाएंगे। यहाँ पे मैंने आलू गोभी भी फ्राई करने के लिए डाल दी है, दोनों मिक्स की हुई है, ऐसा नहीं है कि पहले मैं गोभी को फ्राई कर रही हूँ फिर मैं आलू को फ्राई करूंगी, नहीं, दोनों एक साथ ही काट दी थी और एक साथ ही मैं फ्राई कर लूंगी। तो इस तरीके से ये वाली कढ़ाई में मैं गोभी फ्राई कर रही हूँ और इसी कढ़ाई में जो है मैं पूरियां बना लूंगी बाद में। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि जब कढ़ाई तो चढ़ेगी तो क्यों ना हम आज आलू गोभी फ्राई करके बनाएं। तो यहाँ पे अभी जो काले चने हैं ये बन चुके हैं और आप देख रहे होंगे ना, पास आकर दिखा देते हैं, ये देखिए लग रहे हैं बिल्कुल भी गीले, लिटपिटे भी बहुत ही मामूली से हैं, ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा लिटपिटे से हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो काले चने बनते हैं बहुत टेस्टी बनते हैं। बाकी देखिए सबका अपना तरीका होता है अलग, मेरा तरीका यही है। काले चने तो मैं शादी से पहले भी बनाती थी, मेरी मम्मी बॉयल करके दे देती थी, मैं शनिवार को प्रसाद लेकर जाती थी भैरव बाबा पे। तो यहाँ पर जो है अब मैं छोंक रही हूँ आलू गोभी की सब्जी, आलू गोभी फ्राई हो चुकी है। तो यहाँ पे सेम कढ़ाई मंजली है और उसमें मैंने हींग जीरा डाल दिया है, लंबी लंबी हरी मिर्चें ये डाल दी हैं काट करके, और उसके बाद कटोरी में मसाला मैंने घोल करके तैयार रखा हुआ है। मसाला थोड़ा सा पतला करा, पानी डाला और अब इसको क्या करूँगी, फ्राई मतलब मसाले को भून लूँगी अच्छे से। तेल अलग हो गया, तो फिर कसूरी मेथी डाल दी है। सब्जी में मैंने तेल कम रखा है क्योंकि सब्जी जो है बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी फ्राई जो की है हमने, और कभी कभी इस तरीके की सब्जी चलती है फ्राई करके जब तीज त्यौहार होता है, डेली में तो नहीं चलता है। तो इस तरीके से मैं इसको मसालों के साथ मिक्स कर करके इसको छोड़ दूंगी ढक करके, थोड़ी देर पका लूंगी क्योंकि कुछ कुछ आलू जो हैं बिल्कुल पका के नहीं उतारे मैंने, बस फ्राई करके, मतलब आधे आधे कच्चे से हैं तो वो उधर होते रहेंगे। और यहाँ पर मैं घी ले रही हूँ दूसरी तरफ, फिर मैंने दूसरी कढ़ाई चेंज कर दी है, बड़ी कढ़ाई रख दी है, हलवे की तैयारी कर रहे हैं। तो देसी घी डाल लेंगे खूब सारा, बिल्कुल भी कंजूसी करेंगे क्योंकि भोग का खाना बन रहा है, भोग में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे मैंने केसर डाल दी है, केसर पानी में डाल दी है क्योंकि अभी मैं इसको हलवे में पानी को यूज करूंगी। तो जो हमारा घी है गर्म हो गया है, उसमें हमने सूजी डाल दी है, थोड़ा समय आटा भी डालूंगी गेहूं का, बेसन का भी डाल लेते हैं, मैं गेहूं का ही डालती हूं, ससुराल से ये हलवा बनाना सीखा है तो जैसे ससुराल वालों की ट्रिक है वही मैं अपनाती हूं। तो सूजी को अच्छे से भून लूंगी। तो यहाँ पे सूजी भून रही है, इधर सूजी के लिए पानी रख दिया है,
जिसमें केसर डाल दिया है और इलायची पाउडर डाल दिया है, और इधर आलू गोभी की सब्जी, इधर आटा और चने बन चुके हैं, सब्जी भी बनी चुकी है। ये देखो, इधर आओ, पास में आओ, यहाँ आके दिखेगी, दूर से कैसे दिखेगी सब्जी। ये देखिए जी सब्जी, ये देखिए आज मैंने बनाई है आलू गोभी फ्राई करके, एकदम बढ़िया, काफी टाइम बाद, सालों बाद, अच्छी लगती है ऐसे। लेकिन जो ऐसे अच्छी लगती है ना, वो हमारी सेहत के लिए कतई अच्छी नहीं होती। टिफिन कह रहे आज करवाएगी तू, यहाँ पे सूजी अच्छे से भून जाएगी, जो लास्ट काम होगा ना फिर पानी डालने का, वो हम विपिन जी करेंगे, वो बहुत छड़ कर देगा सारे में। क्यों विपिन? हलवा इससे कम में तो मैं बना लेती हूँ, ज्यादा हलवा होता है, ज्यादा पानी डलता है तो फिर इनकी जरूरत पड़ती है, यहाँ सारे में वो हो जाएगा। पानी आगे रख लेते हैं। इनसे डालेंगे चीनी, चीनी डाल के भी बहुत प्यारा कलर आता है। चलो मिक्स करते हैं, हलवा भी हमारा लगभग तैयार है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह का देखो कितना अच्छा कलर आ गया ना, चीनी डालने से बाद कलर आता है। केसर के कारण येलो भी है ना, जैसे हाँ वो मैंने किया है, खुशबू भी आएगी, थोड़ा स्पेशल भी है, माता रानी आएगी। अभी हलवा थोड़ा सा और पकाएंगे, इसमें डाल देते हैं, बचा ही नहीं ऊपर से करने के लिए, पिस्ता है, पिस्ता कर लीजिए ऊपर से, और गोला भी डाल देते हैं, थोड़ा कच्चा डाल देते हैं। और इसको अब मैं पोट पोट निकाल लूंगी गैस पर जल्दी। देखो कितना अच्छा है ना, तो माँ का प्रसाद है तो अच्छा बनना ही था ना विपिन। बस अब भोग लगाएंगे, कन्याओं को जिमाएंगे, और फिर विपिन को भी रोका हुआ है, वो भी जाएंगे ऑफिस, ऐसे गिर रहा है तो पता चल रहा है कि हाँ अच्छा है, देखो इस तरीके से है ना। हाँ तूने बनाया है, अच्छा ही होगा, अच्छा ही है ना। मैं क्या कह सकता हूँ, है मुश्किल काम, पर अब कुछ भी नहीं मुश्किल या आसान। छोले भी हमारे बने हुए हैं, इनको धनिया मैंने खूब सारा डाल दिया, अभी मिक्स कर दूंगी जब उन लोगों को दूंगी, कन्याओं को। और देखिए यहाँ पे हलवा भी हमारा बेहतरीन बन गया है, इसको भी ढक देते हैं। मैंने कहा एक बार फोटो वोटो ले लूँ ना, इसका फोटो शूट कर लूँ। आलू गोभी की सब्जी भी हमारी तैयार हो गई है, देखिए कितनी टेस्टी लग रही है ना देखने में, बढ़िया एकदम फ्राई वाली अच्छी बनती है, खिली 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 तो वैसे भी बन जाती है, पर आज मेरा मन था कि थोड़ा स्पेशल बनाऊँ, तो सब्जी भी बन चुकी है, खाना लगभग सारा तैयार है। तो अभी मैं जो कंजकों के लिए सामान है वो भी एक जगह कर दूंगी, ताकि फिर क्या होगा ना कि कंजक आएंगी तो ये चाहिए वो चाहिए नहीं करना पड़ेगा। और जो कंजकों के लिए हमने प्लेट लाई है वो प्लेट अभी धुलवाऊंगी तो फिर सूखने में टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा कि इस पर टिश्यू पेपर कर देती हूँ ताकि डस्ट वगैरह जो हो वो हट जाए, उसमें फिर मैं आराम से उनको पूरी रख कर दे सकूँ। तो यहाँ पर मैं वही काम करने बैठ गई हूँ, और जैसे दक्षिणा वगैरह देते हैं कन्याओं को, कलावा चाहिए, टीका लगाना है, वो सब मैं यहाँ पर अभी एक जगह कर लूँगी। पूरी मैं गरम गरम अभी बनाऊँगी, गुड्डू लड़कियों को देखने गई थी तो वो अभी किसी के घर पर हैं, तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं अपना ये वाला काम कर लेती हूँ। हमारे मायके में तो कन्या बहुत जल्दी पूछ जाती है, मुझे तो फिर भी काफ़ी देर हो जाती है बच्चों का करते वरते, फिर आराम आराम से मैं करती रहती हूँ, फिर जब हम फ्री होते हैं तो कन्याओं का रहता है वो इधर उधर निकल गई हैं, लड़कियों का आज के दिन बहुत वो रहता है। तो अभी मैंने प्लेट वगैरह की, फिर मैं पूरी वगैरह बनाने के लिए आ गई थी किचन में, क्योंकि यही एक चीज़ बची थी, और ये था कि गरम गरम, मतलब गरम गरम तो नहीं था, ये था कि भाई चलो निकाल लेंगे, अभी लड़कियों का तो वो नहीं हो पा रहा है, फिर ठंडी हो जाएगी रखी रखी, इतना बड़ा हॉट पॉट भी नहीं है कि ये गर्म रहे एक साथ कर दे। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ, और गुड्डू को मैंने भेज दिया था कि अब जाकर कन्याओं को ही लेकर आना, देख कर आओ, ऐसे नहीं इकट्ठी होंगी, जितनी भी मिल रही है उन्हें बैठा के जाओ, फिर जो जो मिले फिर उनको लेकर आओ। तो इतना तक मैं पूरी उतार लेती हूँ।
कन्याएं आ चुकी हैं और मैंने ना भजन लगाए हुए हैं इस टाइम पे माता रानी के ही, वो वाला भजन है ना, एक छोटी सी कन्या दर्शन दे गई रे गुलशन कुमार का, तो वो वाला मैंने उनका भजन लगाया हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब भी हमारे घर में कन्या पूजन होता है मैं वही भजन लगाती हूँ, मतलब हमारे घर में नहीं, जब भी अष्टमी पे पूजते हैं तब। तो यहाँ पे मैं और तन्मय मिल के चादर लगा रहे हैं, उसको शौक होता है मैं करूँ, तो चादर का क्या था, पहले सोचा कि इधर लगाएं या बाहर वाले बरामदे में लगाएं या सबसे बाहर वाले में लगाएं, तो फिर मैंने कहा नहीं मैं तो कमरे में ही बिठाऊंगी हर बार की तरह, कोई बात नहीं, जगह इतनी भी कम नहीं है, दिल बड़ा होना चाहिए, है ना। तो अभी कन्याओं की पूजा करूंगी, टीका लगाऊंगी उनको, उनकी आरती उतारूंगी, कलावा बांधूंगी, उनको चुन्नी उड़ाऊंगी और बहुत सारा उनसे प्यार लूंगी और बहुत सारा प्यार उनको दूंगी। बहुत अच्छा लगता है घर में जब इस तरीके से कुछ पूजा पाठ होती है ना, एक अलग ही माहौल हो रहा होता है घर का। कन्याओं के साथ लांगुर में किसको बिठाया है मैंने, तन्मय को बिठाया है, तो नौ कन्या और एक लांगुर बैठता है, तो तन्मय भी बैठा हुआ है साथ में। और जैसे ही उसको प्लेट में पैसे मिले तुरंत उसने पैसे उठा लिए, प्लेट नहीं देखी उसने। और इसको भी एक वॉच लानी है, मैंने इससे आज प्रॉमिस किया है, क्योंकि जैसे कन्याओं को मैंने एक रबड़ बैंड प्लस वॉच है उसमें, तो इसको भी हुआ कि नहीं मेरे को भी वॉच चाहिए, तो ये मैंने कहा इसको बड़ी मुश्किल से मैंने सुबह समझा दिया था कि बच्चों के सामने ना रोने लगे, क्योंकि जब मैं कल आप सबको दिखा रही थी तो वो रोने लगा था, तो फिर उसको समझाया कि भाई आज रात तेरे लिए आ जाएगी वॉच, तो उसके लिए अब मंगानी पड़ेगी छोटी सी कोई छोटी मोटी वॉच। तो बच्चों को यहाँ पे रबड़ बैंड दिया, वॉचेस दी, प्लेट दी गिफ्ट में, तो खुश हुए बच्चों को, रबड़ बैंड वगैरह इस तरीके से गिफ्ट मिलते हैं ना वो खुश होते हैं। अगले साल से ना मैं प्लेट्स नहीं लाऊंगी, मैं उनके लिए कुछ इस तरीके की ही चीज़ें लाया करूंगी, क्योंकि बच्चे रबड़ बैंड देख कर ज़्यादा खुश हुए, और या फिर जैसे ये वॉच वाली रबड़ बैंड था ये, तो मैंने कहा ठीक है अगले साल से नो प्लेट, अगले साल से इसी तरह के गिफ्ट लाएंगे जिससे बच्चे खुश होते हैं। तो अभी जो है मैं बैठी थी खाना वाना खा करके, ढाई बजने वाले हैं, बच्चे बाहर गए हैं, मेरा कोरियर आया है, देखते हैं क्या आया है। पैसे देने होंगे या फिर देने होंगे? विपिन का नंबर तो होगा आपके पास? मेरा पैकेट आ गया, खोलेंगे देखेंगे, आपको दिखाने वाली चीज हुई तो दिखा देंगे, नहीं हुई मुझे लग रहा है कि ना दिखाने वाली चीज ही है। चलो जी बैठते हैं थोड़ी देर, बच्चे दोनों जो है अभी अपने ताऊ चेयरों के यहाँ गए हैं, और ये सूट पे ना कहीं कहीं चिकनाई के हाथ लग गए हैं, अब ये ड्रैक्लीन होगा, ये घर पे वॉश नहीं होगा क्योंकि हटेंगे ही नहीं चिकनाई के दाग, थोड़ा सिल्क वाला कपड़ा भी है ये। तो आज जो है नवरात्रे हो गए हैं पूरे, मतलब हम लोगों के हो गए हैं, जिन लोगों के यहाँ नवमी होती है उनके कल नवमी हो जाएगी, हम लोगों के यहाँ अष्टमी होती है तो हम लोगों ने अष्टमी कर ली है। बैठते हैं थोड़ा फ़ोन वोन चेक करेंगे, अभी आके बैठी थी मैं किचन विचन समेट के, मैंने कहा फ़ोन देखती हूँ, इतने में भैया आ गए और आप लोगों से बात ही कर रही थी उस टाइम कैमरा ऑन करके, तो मैंने कहा चलो इस टाइम ही ऑन होना था, इस टाइम ही कोरियर वाले भैया आने थे। हो रहा है बाहर काफी अच्छा, चाय बना ली है और ऊपर छत पे बैठ के पियेंगे चाय, थोड़ी देर में सो भी गई थी। चलो गेट बंद कर देते हैं, कभी बिल्ली बिल्ली आ जाए। बच्चे पुदीना देख लो कितना अच्छा हो रहा है, अभी ऊपर भी देखूंगी, इन्होंने पता नहीं पानी दी, चलो ऊपर ही दे दूंगी पानी, ऊपर भी होगा, नीचे हो रखा है ना मेरा प्लाजो काफी पैरों में अटक रहा है। बस देखो आगे आगे कौन है, हेलो मैडम आई हुई है हमारी, हेलो ऊपर भी बैठ करके चाय,
अच्छा ये लगाई है सब्जी। हाँ ये है, ये देखिए जी, चाय पी लीजिए। चाय पीते हैं फिर बात करेंगे। मैं आई थी यहाँ रश्मि के यहाँ, वैसे तो रोज आती हूँ मैं रोज आती हूँ, बहुत घूमे छत पे ही चाय पी और घूमे फिरे छत पर, अच्छा लगा छत पर। बातें बातें कर रहे हैं, क्या टाइम हो गया होगा? टाइम क्या हो गया बुद्धू? 7:30 7:32 सब्जी बनानी है। लेट तो आए थे, इतनी भी देर नहीं हुई, बस बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, मजे आते हैं। टॉपिक छिड़ जाता है कोई, बस टॉपिक छिड़ जाता है, बस उठने को मन नहीं करता। मैं इधर आ जाऊँ तो जाने का मन नहीं करता, उधर ये चल जा तो आने का मन नहीं करता। 29 स्कूल है मेरा, हाँ बस गुड्डू का स्कूल है, रिजल्ट मिलेंगे दोनों के, देखते हैं। सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ बहुत जल्दी नवरात्रे शुरू भी हो गए, और रामनवमी कब है? कल परसों राम भी हो गए, पता भी नहीं अष्टमी होती है। ये सोचते पूरे नवरात्रे निकल गए, बच्चों के लिए क्या बनाए, अपने लिए क्या बनाए, अपने लिए क्या बनाए, कहीं लेके चले जाना परसों में, कहाँ कहीं लेके, पहाड़ों में, पहाड़ों में मसूरी, पहाड़ों में तो है मसूरी के एम्प्टी फॉल, तो क्या मम्मी गेम टेबल थोड़ी गए थे, देख लेंगे मसूरी लेक गए थे ना हम। ठीक है तो चलो हम इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं, दोनों मिलके करो, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब।